हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं गाऊं मैं सुबह शाम उलग सागर एक नाम एक नाम उलग सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। हर माँ श्रवण कुमार जैसे बेटे की माँ बनना चाहती, हर नारी चाहती है कि मैं श्रवण कुमार की माँ बन जाऊं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आज ये माँ बनने के ख्वाब छोड़िए और ऐसा जीवन बताओ कि मैं श्रवण कुमार की पत्नी बन करके खड़ी हो जाऊं। क्योंकि जो पत्नी बन जाती है श्रवण कुमार की, आने वाले समय में माँ बनकर भी खड़ी हो जाती है श्रवण कुमार की। पत्नी क्यों नहीं बनते हो? क्यों ये बहुएं नियम नहीं लेती हैं? क्यों ये बहुएं संकल्प नहीं लेती हैं कि मैं अपने पति को अपनी सासू का श्रवण कुमार बनाकर ही दम लूंगी, तभी जिंदगी सही तरीके से जीऊंगी, तभी मैं चाहूंगी श्रवण कुमार की मां बनने से पहले श्रवण कुमार की पत्नी बनने का फर्ज निभाओ तुम। मैं कहता हूं तुम्हारी हर बेटा श्रवण कुमार बनकर के खड़ा हो जाएगा। सोचो, श्रवण कुमार की पत्नी तो बन सकती हो कि जो बेटा अपने मां बाप का सम्मान ना करता हो, ऐसी बहू बन जाओ कि मैं इसे मां बाप के चरणों में झुका के रहूंगी। ऐसी बहू मत बनो कि मां बाप से मैं उसे अलग करके जिंदगी जीऊंगी। ध्यान रखना, बना दो उसे श्रवण कुमार तो फिर तुम्हें पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहकर के पुकारा जाएगा और कहा जाएगा यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। ध्यान रखना, वह नारी पूज्य होती है। उसे कहा ठीक है बेटा मैं जा रहा हूं, एक कंबल दे दिया उसे, कंबल सात छाती से लगाए चला बूढ़ा। पोता दौड़ा दौड़ा आया, दादाजी ठहरो इधर लाओ ये कंबल, कहां ले जाते हो? मैं भी तो इसी बाप का बेटा हूं ना, जब मेरा बाप कुछ नहीं दे रहा तो मैं क्यों दूं? ये कंबल इधर लाओ, ये कंबल मेरी दादी का है तुम्हारा नहीं है। बूढ़े ने सोचा कि तेरी दादी और मेरी कोई नहीं। बोले मेरी दादी हरिद्वार गई थी, वहां से लेकर के आई है ये कंबल, मत ले जाओ इसको यहीं रखो। बेटे ने कहा अरे बेटा दे दे यार, इससे अच्छा कंबल तुझे लेकर के आएंगे, विदेशी कंबल लेकर के आएंगे, पुराना सा कंबल क्या करेगा, दे दे दादाजी को। उसने कहा नहीं ये कंबल तो मैं नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बूढ़े ने देखा कि जिस पोते को छाती से लगा के घूमता था बेटे ने मकान ले लिया और पोते ने कपड़े छीन लिए। बेट पोता अंदर गया, दौड़ा दौड़ा एक कैची लाया और कंबल के दो टुकड़े कर डाले, एक चाटा मारा बच्चे के पिता ने कि कंबल ये कंबल नहीं देना था मत देता, लेकिन टुकड़े क्यों कर दिए तूने पागल, ना तू उड़ पाएगा, कौन उड़ेगा दो टुकड़े को। उसने कहा मैं उड़ लूंगा, मैं अभी छोटा हूं ना। वो बोले आधा पीस, बोले दादाजी को दे दो क्योंकि वो तुम्हारे बाप हैं, दादी का भी तो हक है ना उन पर, पूरी संपदा मैं कैसे लूं, दादी ने मुझे दिया था कंबल, आधा मेरा है आधा उनका है। अरे बेटा वो टुकड़ा भी दे दे। बोले नहीं पिताजी ये मेरे बहुत काम आएगा, जब आज आप अपने बाप को घर से निकाल रहे हो तो आधा कंबल दे रहे हो, और मैं जब निकालूंगा तो आधा कंबल तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि जब तुम अपनी कमाई का कुछ नहीं दे रहे हो तो मैं तुम्हें अपनी कमाई का कहां से दूंगा। काल चक्र सबको निचोड़ देते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा इंतजार करो। मान्यवर बूढ़ा घर छोड़कर चला गया, ना जाने अपनी बात समेटता हूं पांच मिनट में, न जाने उस बूढ़े को क्या सूझी। उसने सोचा कि यार जिंदगी का क्या भरोसा है, रास्ते से गुजर रहा था बाजार से, एक फोटो स्टूडियो में चला गया,
की फोटो खींचा। बुढ़ापा भी बचपन ही होता है। जेब में हाथ डाला तो फटा 5 का नोट था। बोले चलो फोटो खिंचा लेते हैं। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगा, लड़खड़ाया गिरा, फोटोग्राफर दौड़ा दौड़ा आया, उसने पकड़ लिया। इतने जोर से बूढ़े ने उसके हाथ पकड़े कि बेटा जिनको हाथ थामना थे उनने धक्के दे दिए। कभी कभी मेरे भाई अपनों से ज्यादा प्रेम परायों में मिला करता है। जो प्यार खून नहीं देता वो दूसरे दे दिया करते हैं। इतनी विश्वास से हाथ पकड़े उस बूढ़े ने, ऊपर चढ़ करके कहा और जाकर के कहा कि भाई मेरी एक तस्वीर निकाल दे। फोटोग्राफर ने कहा कि जरूर निकालूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं दादाजी, दुनिया से कमाता हूं, तुमसे क्या कमाना। एक रुमाल से चेहरा पोंछा, कीचड़ हटाया आंखों का। उसने कहा कि जो मेरे आंखों का तारा था उसने आंख के आंसू नहीं पोंछे, और तू मेरे चेहरे की धूल हटा रहा है। तो रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, एक ट्रक उन्हें रोंदते चला गया। वो दुनिया से विदा हो गए। अब दादाजी यहां नहीं है, हमें तो पता भी नहीं चला कि कब एक्सीडेंट हो गया। जब तक अखबार में पढ़ा, लाश को लावारिस समझ के मुर्दे घर में डाल दिया गया। हमें तो उस एक्सीडेंट के स्थान पर उनकी जैकेट मिली थी फटी हुई, जिस पर तुम्हारी दुकान की रसीद थी। इसलिए हम ये फोटो लेने तुम्हारे पास आ गए। फोटो दिखाओ। जैसे ही फोटो दिखाई तो फटे छिटे चीथड़ा पहना वो है बाप। इन्होंने कहा कि यार ये फोटो तो बहुत गड़बड़ है, कंप्यूटर का जमाना है। एक काम करो, अच्छी शेरवानी पहना दो। क्या करना है, चेहरे काट के तो लगाना है। किसी नवाब की फोटो में इनकी लगा दो, गले में सोने की माला हो, हाथ में छड़ी हो, जिसकी हत्थी में सोना लगा हो। उसने कहा कि भाई साहब आप ये काम कर क्यों रहे हो। बोले हमें परसों इनका उठावना करना है ना, तो फोटो पर माल्यार्पण करना पड़ेगा। और हम इज्जतदार लोग हैं, हम ऊंचे स्टेटस के और स्टैंडर्ड के लोग हैं, हजारों पढ़े लिखे लोग आएंगे, हम ये फटे कपड़ों की फोटो कैसे लगा पाएंगे। वाहरे हमारे देश की समाज, ये मरने के बाद फूल माला चढ़ाती है और जीते जी कांटों से चुभोया करती है जिंदगी। तो ये स्टेटस से पढ़े लिखे लोगों का, ये सभ्यता है पढ़े लिखे लोगों की, ये धर्म है पढ़े लिखे लोगों का, ये शिक्षा ने तुम्हें सिखाया है। लाशों पर फूल चढ़ाने वालों, अरे लाशों पर फूल मत चढ़ाओ, जीते जी सम्मान करना सीख जाओ। इससे बड़ा उठावना और इससे बड़ा सम्मान और इससे बड़ा स्टेटस दुनिया का कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। लेकिन मेरे हिंदुस्तान में हमेशा मुर्दों को पूजा है, मुर्दों को शीश झुकाया है। जीते जी संत तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं, दुनिया से चले जाएं फिर उनके मंदिर पर शीश झुकाया करते हो। जीते जी तो मीरा को जहर दिया इस दुनिया ने, जीते जी तो जीसस को सूली पर चढ़ाया इस हिंदुस्तान ने, अरे जीते जी तो महावीर पर उपसर्ग किए, कीले ठोके उनके कान में, और जीते जी इस दुनिया ने क्या क्या नहीं किया सोचिए। भक्त प्रहलाद को आग में फेंक देते हैं, और जीते जी इस धरती ने ऐसी पापिन लोग सीता को अग्नि कुंड में जलता देखते हैं और चुपचाप खड़े रहते हैं। बाहरी दुनिया जीते जी मारते हो, मरने के बाद भगवान कहकर उनकी पूजा करते हो। काश मेरे भारत ने जिंदा लोगों का सम्मान कर लिया होता तो आज ये भारत गारत नहीं बनता, आज भी इस मनमोहन के राज्य में राम राज्य फल रहा होता। यदि जीते जी सम्मान करने की कला हम सीख गए होते। जीते जी सम्मान नहीं करते हो। मान्यवर एक निवेदन है आपसे, मैं एक सपना लेकर के जी रहा हूं अपनी जिंदगी में। मेरा रुचि नहीं है ज्यादा मंदिर बनाने में, मेरी रुचि नहीं है, क्योंकि अब भारत में मंदिरों की कमी कहां है मेरे भाई। जहां दो घर हैं तो वहां भी विशाल मंदिर खड़े हुए हैं। मेरा विरोध नहीं है इन मंदिरों से, मैं भी मूर्ति पूजक हूं, मैं भी मंदिर मार्गी, मैं भी मूर्तियों को शीश झुकाता हूं। लेकिन मेरे भाई मुझे उस समय बहुत दुख होता है कि जब तुम्हारे मंदिरों के भगवान चांदी सोने की आंगी पहनते हैं और पैदा करने वाला भगवान फटे कपड़ों में घूमता है, उस समय बहुत दुख होता है मुझे बहुत दुख होता है जब तुम्हारा पत्थरों का भगवान 56 भोग की झांकी सजवाता है
और घर के बूढ़े माँ बाप दो रोटी को वृद्धाश्रम में तड़पते रहा करते। मानिवर, निवेदन है मेरा आपसे, एक सपना लेकर जी रहा हूं कि मैं जो गौशाला चलाते हैं बहुत बहुत आशीर्वाद है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उन बूढ़ों के लिए कुछ करूं, उस अबला के लिए कुछ करूं, उन अनाथ बच्चों के लिए कुछ करूं। बाहरे भारत देश, यहां पर औलाद को नाजायज कहा जाता है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं उस अबोध शिशु को नाजायज कहने का हक क्या है तुम्हें? नाजायज वो बच्चा नहीं, नाजायज तो वो मां बाप हैं जो पैदा करके उन्हें कचड़े में फेंक दिया करते हैं। एक लड़के लड़की गलत काम करते हैं और औलाद को कचड़े घर में फेंक देते हैं और वो लड़के लड़की समाज में फिर शामिल हो जाते हैं और बच्चा नाजायज कहलाया करता है। क्या गलती है उस बच्चे की? कौन सा अपराध किया है उसने? अपराधी इज्जत की जिंदगी जी रहा है, उस निरपराधी को अपराधी साबित किया। ये कैसा कानून है तुम्हारा? ये कैसी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं? तुम कहते हो कि पाप की काम पाप का खून है, नाजायज खून है। अरे नाजायज तो वो है जिनने उसे यतीम बना करके छोड़ दिया है। मानिवर, मैं भोपाल जा रहा था, मैंने देखा कि कचरे झाड़ियों के बीच एक बच्चे को कुत्ते खा रहे हैं, नवजात शिशु को। बाहरी मानवता कहां है? वो भड़कता हुआ मेरा भारत और संवेदनशीलताएं उसकी, हवस के शिकार होकर बच्चों को फेंक दिया जाता है। औलाद होने के बाद भी बूढ़े मां बाप जार जार आंसू बहाते हैं। ये महिला यदि असमय में विधवा हो जाए तो हजारों लोगों की बुरी नजर उस पर जाकर टिक जाती है। ऑफिस जाती है तो लोग बुरी नजर से देखते हैं, सड़कों पर गुजरती है तो लोग वासना की नजरों से देखते हैं। मेरे भारत में ये माहौल बना रखा है तुमने। क्या करेंगे आप उन बच्चों का? फेंक दें उन्हें हम? नहीं, मैं कहता हूं ऐसे अनाथ बच्चे मिल जाएं तो फेंकना मत और भोगे तुम्हारे लिए नाजायज पुलक सागर के दरवाजे पर डाल जाना, हम उसे जाय जिंदगी प्रदान कर देंगे। आज पुष्पगिरी तीर्थ पर एक वात्सल्य धाम चल रहा है जिसमें 70 बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिनके मां बाप गरीब हैं, निर्धन हैं, एक दूसरे के घर में बर्तन साफ करते हैं और जिंदगी गुजारते हैं। उन 70 बच्चों को मैं उस वात्सल्य धाम में शिक्षा प्रदान करा रहा हूं। वो बच्चे जो हिंदी नहीं बोल पाते आज वहां रहकर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि जो रिजल्ट उन बच्चों का आ रहा है, उस वात्सल्य धाम में कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसके 80% या 90% अंक ना आते हो। पढ़ लिख कर महान बनेंगे, वो एक संत के संरक्षण में पल रहे हैं। आज भी वहां 25 वो वृद्ध ऐसे हैं जिनकी औलाद ने उन्हें ठुकरा दिया है। मैं श्रवण कुमार बनूंगा और उन बूढ़े की पथराई आंखों के आंसू पोंछने का मैं प्रयास करूंगा। मान्यवर, मैंने उसका नाम वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, विधवा आश्रम नहीं रखा क्योंकि वहां एक टीस होती है कि हम अनाथ हैं। मैंने उसका नाम वात्सल्य धाम रखा है। वह प्रेम की नगरी है, वह वात्सल्य की नगरी है। केवल तालियों से काम नहीं चलता मेरे भाई, ध्यान रखना मेरे पास धर्म है, धन नहीं है मेरे पास। और तुम्हारे पास धन है, धर्म नहीं है तुम्हारे पास। धन है और धर्म नहीं है तो दुर्गति है, और धर्म अकेला खड़ा है, धन नहीं है तो केवल बातें तो कर सकता है लेकिन धरातल पर कुछ बना नहीं सकता है। आओ मंदसौर वालों, मैं चाहता हूं कि धन और धर्म का ऐसा संबंध बना दिया जाए कि इस भारत में अब इंसानों के मंदिर तैयार कर दिए जाएं। मेरे हाथों मेरी बात भी अच्छी लग रही है तो तालियों में मत उड़ाओ, मेरे हाथों को मजबूत करने का प्रयास करो। मैंने जावरा में अपनी बात रखी
तांता लग गया लोगों का कि जाओ हमने अपने जीवन में बहुत कमाया, आए अब मूर्तियों में नहीं इंसानों के लिए अपनी दौलत अर्पित कर दे। ध्यान रखना ऐसे वो लोग जिन्होंने अपना धन, मैं तो थक गया वहां लेकर के। महिलाओं ने सोच लिया एक साल महंगी साड़ी नहीं पहनेंगे, जो भी पैसा आएगा उन बूढ़े माँ बाप के लिए हम समर्पित कर देंगे। हो गई जिंदगी आपकी सार्थक, आप नहीं बना सकते हैं तो जो बना रहे हैं उनकी सहायता जरूर कर सकते हैं। मान्यवर मैं मजबूर हूं, मेरे पास यदि धन होता ना तो मैं कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाता। और एक बात और ध्यान रखो कि जब मुझे भूख लगती है ना तो मैं अपना हाथ तुम्हारे सामने फैला देता हूं। जब खुद का पेट भरने के लिए हाथ फैला सकता हूं तो अनाथों को जीवन देने के लिए भी हाथ फैला सकता हूं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जुड़े उस योजना से जिसका जो सामर्थ्य हो भाई अपना सहयोग उसमें प्रदान करे। कोई जरूरी नहीं है कि करोड़पति का करोड़ रुपया ही दान में आए। मेरे पास ऐसे ऐसे भक्त हैं जो कहते हैं महाराज हम पूरा कर देंगे इसको, आप मत मांगिए किसी से। मैंने कहा नहीं, पूरा तो मेरा एक भक्त भी कर देगा, इतने धनपति मेरे भक्त हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर घर से निकले वह पैसा ताकि उस घर में वह पैसा अभिशाप नहीं वरदान साबित हो जाए, हर घर के अंदर मानवीयता जिंदा हो जाए, इंसानियत जिंदा हो जाए, यह मेरा संकल्प है। एक वात्सल धाम का निर्माण चल रहा है, मैं बहुत गौरव महसूस नहीं करता हूं वात्सल धाम बनाने के बाद, मुझे शर्म आती है। मैं तो इस प्रयास में हूं मंदसौर वालों कि तुम सब ऐसा वातावरण बना लो अपने घर का कि कोई बूढ़ा किसी वात्सल धाम की ओर ना जाए, हर बूढ़े अपने घर में इज्जत की जिंदगी जिए, स्वाभिमान की जिंदगी जिए, कोई पुलक सागर फिर से पैदा ना हो जो बूढ़ों का आसियाना बनाता हो। क्या है अजंता एलोरा लाल किला हमारे देश की शान हो सकते हैं लेकिन वात्सल्य धाम और वृद्धाश्रम हमारी शान नहीं हो सकते हैं। ये तो बदनुमा दाग है भारत की संस्कृति पर। बना लो ऐसा माहौल उस वात्सल्य धाम में चार परिवार ऐसे आए जिनकी औलाद छोड़ने आई। मैंने उन औलाद को कहा कि शर्म आना चाहिए, यदि ये माँ बाप तुम्हें बचपन में कचरे घर में सौंप जाते तो तुम क्या करते, तुम उन्हें छोड़ने आए हो। मैंने मान्यवर उस वात्सल्य धाम से चार पांच परिवारों में संबोधन दिया है, मैं नहीं चाहता कि जीवन भर उन्हें रखूं, और वो संबोधन दिया कि उनके बच्चों ने कहा भूल हुई सो भूल हुई, अब हम अपने माँ बाप को स्वाभिमान के साथ अपने घर में वापिस ले जाते हैं। चार फैमिलियां वापिस लौट गई भाई, लेकिन वात्सल्य धाम उनके लिए वरदान है जिनकी औलाद ही नहीं है, उन्हें तो एकाकीपन में सहारा चाहिए। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति, प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन पीप चक्कर गली नंबर 5 बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन शाहदरा दिल्ली 110032 मोबाइल 9198109006999 ईमेल पुलकवानी@gmail.com।